फ्रेंड्स आपनकर फेवरेट यूट्यूब चैनल सोडिसा ट्यूटोरियल सागो जणौची। आज हम आलोचना करबा कंपाउंड इंटरेस्ट बा जागो कहौची हम चक्रवृद्धि सुध रो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन गुडा कि ऑलरेडी एग्जाम रे आसी अछि एवं अपकमिंग एग्जाम मान कर आसीबार बहुत चांसेस अछि। चलन तो आज रो फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कमे डिस्कशन करबा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिन तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। ए सर्टेन सम ऑफ मनी एल्स आर एस 1261 एज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम। दिस सम इज कौन कहै छी किछि मूलधन 3 वर्ष रे 5% चक्रवृत्ति सुध रे 1261 टंका कौन होउ छी तार चक्रवृत्ति सुध होउ छी तेबे सम केते बा हमकु मूलधन बाहर करै रहै छी। एटा को हमे अमाउंट रो फार्मूला अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल होल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी। यही फर्मूला पुट करी बेसिक फर्मूला पुट करी आम एनसर बाहर करें किंतु मुझे बेसिक फर्मूला कहबी अलग ट्रिक्रे चलते यहाँ आम सल्यूसन करवा। प्रथम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी नहीं आम सल्यूसन करवा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट हूँ 5%। 5% को आम कमी लिखिपर 5/100 लिखिपर तो 5 रे काटिले ये 20 तो कैसे आसीज 1/20 आसीज। तो यहाँ हूँ आम कौन यहाँ हूँ प्रिंसिपल आनटा हूँ कौन आम कंपाउंड इंटरेस्ट दुईटा धरवा। ए सर्टेन सम ऑफ मनी एल्ड 1261 कौन कहे कंपाउंड इंटरेस्ट कहे आम प्रिंसिपल के ना प्रिंसिपल गोटे सैड्रे आप प्रिंसिपल लिखे आउ गोटे सैड्रे कौन लिखे आउ गोटे सैड्रे लिखे अमाउंट लिखे। प्रिंसिपल जो 20 है तो अमाउंट के 20+1 21 अमाउंट 21 हम 3 इयर्स कही 3 इयर्स कही मैंने तीन थर एम करेंगे तीन थर लिखीदे ये भी 21 दुई थर ये भी तीन थर लिखि दिं 20 को तीन थर आउ 21 को तीन थर ए मैंने 20 को जो तीन थर गुणन करवा के हम ये आसीज 8000 हो 8000 ये यहाँ जब 21 को जब आम तीन थर गुणन करवा 21 रो जब क्यूब बाहर करवा ये आसीज आमर 9261 एबे एटु डिफरेंस बाहर कर दियंतु। जदि डिफरेंस एटी एटा होचो कोन एबे एटा प्रिंसिपल एटा होचो प्रिंसिपल एटा होचो अमाउंट जो एटी जहां बाहरी हो सेटा हो हमरो कोन कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट केते होची 1 2 देखि दियंतु 9261 रु 8000 को वियोग करले 1261 ए कंपाउंड इंटरेस्ट संगे समान हे होची माने 1261 जहां कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस बाहरी छी एटी हमर क्वेश्चन रे ताहा होची तेनु आमे डायरेक्ट प्रिंसिपल को 8000 बसेई परिवा। जदि बाहरी नथंता तो कंपाउंड इंटरेस्ट जितकी ये डिफरेंस बाहर जाता एतकी यूनिट धरी जाते एतकी यूनिट इक्वल टू जितकी बाहर जाता से कंपाउंड इंटरेस्ट सेटे लिखी जाते जेहेतु एटा कौन है 1261 यूनिट रो वैल्यू 1261 ही 1261 ही तो एक यूनिट रो वैल्यू एक तेणु आमको प्रिंसिपल कौन अच्छी प्रिंसिपल मांगी प्रिंसिपल 8000 ही हम जोटा कि ऑप्शन डी हम आम राइट आंसर। चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन करवा। दुई नंबर क्वेश्चन देखते तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी कौन कही क्वेश्चन टी प्रथम भल भाव में बुझीद। ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू आर एस 4840 इन 2 इयर्स एंड टू आर एस 5324 इन 3 इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एट आनुआली दि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। क्वेश्चन टी कौन कही किसी मूलधन जोड़ा कि 2 वर्ष रे 4840 टंका हेउची एवं सही मूलधन 3 वर्ष रे 5324 टंका हेउची वार्षिक चक्रवृद्धि सुध रे तेबे आमकू रेट ऑफ इंटरेस्ट बा चक्रवृद्धि सुधर हार आमकू बाहर करे रहची। ए क्वेश्चन टिक चालन तो आमे केमते सॉल्व करिया। प्रथमे गुटे जगह आपण प्रिंसिपल लिखि दियंतु तापर अमाउंट 1 लिखि दियंतु अमाउंट 2 लिखि दियंतु प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमको जाना ना प्रिंसिपल को खाली ओनली पी धरीदे अमाउंट 1 के 4840 के वर्ष रे 2 वर्ष रे तेणु 2 इयर लिखीदे 2 वर्ष लिखीदे 4840 पुणी के 5324 5324 के वर्ष रेटा होटा हो 1 वर्ष रे 1 वर्ष रे ना टोटाल हूँ के तीन वर्ष एठी के वर्ष आमर 3 वर्ष देखि दिंतु ये 4840 हूँ फास्ट वर्ष दुई वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट एवं 5324 होनि वर्ष कंपाउंड इंटरेस्ट ताल ये डिफरेंस के गोटे वर्ष डिफरेंस अच्छी तो आम रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाहर करा देखि दिंतु रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाहर करेंगे ये अमाउंट 2 रु अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 करेंगे डिवाइडेड बाय अमाउंट 1 करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 100 करेंगे बास आप आंसर बाहरी अमाउंट 2 कौन अच्छी 5324 माइनस 4840 डिवाइडेड बाय 4840 इंटू के इंटू 100 तो ये आसगला तले 4840 यटा को माइनस कर दिंतु
थ्राइज ऑफ इट सेल्फ इन थ्री इयर्स इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बी नाइन टाइम्स ऑफ इट सेल्फ किछि मूलधन तीन वर्ष रे एहार तीन गुणा हो जाउछि तेबे सही मूलधन केते वर्ष रे हाउ मेनी इयर्स केते वर्ष रे नौ गुणा हेबो एटा को आमे केमती सॉल्व करिया देखि दंतु गुटे सागर गुटे साइड लिखि दंतु एक्स रो पावर 1/t1 लिखि दंतु इक्वल टू वाई रो पावर 1/t2 लिखि दंतु यही फर्मुला को आपण माने मने रखिबे एक्स रो पावर 1/t1 इक्वल टू वाई रो पावर 1/t2 एक्स किए फर्स्ट प्रिंसिपल को दे दे ए सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस ऑफ इटसेल्फ केते गुणा है जी तीन गुणा है जी माने तीन गुणा अर्थात एक्स जगह रे तीन जतकी गुणा कहि छि ना सेटा लिखिबे इनटू एटा होल पावर केते जो 1 टाइम केते कहि छि अमाउंट टू थ्राइस थ्राइस हो जे केते वर्ष रे तीन वर्ष रे तो टी जगह टी वन जगह तीन वर्ष लिखिले इक्वल टू वाई कौटा लिखे के गुणा है नौ गुणा तो वाई जगह नाइन लिखिले तार पावर के वन बै टी टू वन बै टी टू टी टू रैल्यू आमको बाहर कर तो ये आम आसगला थ्री रवर जमी अच्छे सेमती लिखि दिंतु वन बै थ्री इक्वाल टू यार स्क्वयर के तीन रोयर होन रोयर ये जाइए कौन नहीं गुण ना कौन होन रोयर हो गला तीन रोते तीन रोयर जे न तेणु उपरे टू हो डिवाइडेड बै टी टू होटा को मुझे बुझीपारे तो ये जब बुझीपार ना तो एमती करूँ थ्री रवर के थ्री रोयर हो गला इंटू के वन बै टी टू बास ये टू एपटे जाइए गुण नहीं तो ये बोले देखी दिखाँ ये अब आधार अमर सामान अच्छी बेस अमर सामान अच्छी भी तीन अच्छी ये भी तीन अच्छी तो आमर कौन हम यहाँ आमर पावर दुईटा सामान हो पावर दुईटा सामान हो अर्थात वन बै थ्री इक्वाल टू टू बै टी टू ये क्रस मल्टीप्लिकेसन कर दिंतु तो टी टू रैल्यू आम बाहर टी टू इक्वाल टू तीन दुणे छ छर्ष सिक्स इयर्स लगे सिक्स इयर्स लगे जोटा कि ऑप्शन सी हम आम राइट आंसर चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करवा चार नंबर क्वेश्चन कौन कह देखी दिखाँ दि डिफरेंस बिटवीन दि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर थ्री इयर्स इज 992 इफ दि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% फाइंड दि प्रिंसिपल कौन कही चक्रवृद्धि सुध एवं सरल सुधर अंतर केते वर्षर तीन वर्ष रे सरल सुध एवं चक्रवृद्धि सुधर अंतर 992 टंका हेउची जदि सेमानंकर सुधर हार 10 शतकड़ा हेइथाय तेबे प्रिंसिपल बा मूलधन निर्णय करो तो एथिपई आमे कोन करि परिबा देखि दंतु हमकु सीआई सीआई माइनस एसआई केते दैछि सीआई माइनस एसआई दे दैछि हमकु 992 टाइम हमकु दे दैछि 3 इयर्स दे दैछि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको केते देछि 10% देछि तो एथिरे आमे कोन करबा देखिबा प्रिंसिपल को आमे कोन करबा 1000 धरि दंतु प्रिंसिपल को जदि आमे 1000 धरि देबा प्रिंसिपल को केते धरिबे प्रिंसिपल को धरि दंतु एठी प्रिंसिपल हे गला हमर केते 1000 एज्यूम करूचे लेट प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल हे गला हमर 1000 जदि प्रिंसिपल एक वर्ष 1000 होउची ताने फर्स्ट इयर रे एक 1000 टंकार 10 शतकड़ा हेले फर्स्ट इयर रे केते सुध हबो हमरो 100 टंका सुध हबो सेकेंड इयर रे केते आसीबो सेकेंड इयर रे 100 टंका तो रहिबो प्लस चक्रवृद्धि सुध होची कोन सुधर सुध माने 100 टंकार 10 शतकड़ा बाहर करिवा केते आसीबो 10 टंका आसीबो 3 वर्ष कहिची तो थर्ड इयर रे ये 100-100 समान रहिबो ये चक्रवृद्धि सुध सब समान रहिबो सॉरी ये माने सिंपल इंटरेस्ट बा सरल सुधर जिवे सब समान रहिबो सेकंड इयर को आमे जानिबा सेकंड आमे चक्रवृद्धि सुधर कोन जानिचे सुध उपरे सुध थर्ड इयर को जदि आसीले या पूर्वर सुध केतटा अछि 1 2 3 एही तीनटा सुधर सुध बाहर करिबा चक्रवृद्धि सुध अर्थात सुध उपरे सुध तो 100 टंकार सुध आमे जानिते 10 शतकड़ा जे केते 10 टंका आसीबो ए 100 टंकार भी 10 टंका आसीबो माने ये 100 चली गला केवल ये 10 टंका ए 10 टंकार पुणी आमकु 10 शतकड़ा बाहर करियार छै केते टंका हे जइबो 1 टंका हे जइबो तो आमे हमर डिफरेंस कोटा हेतै डिफरेंस होउची एही तीनटा होउची हमर चक्रवृद्धि सुध एवं सरल सुधर डिफरेंस हेतै आउ एटा केवल एटा होउची हमर सरल सुध देखि दंतु जदि आमे 1000 टंका को केवल सरल सुधरे केते टंका मे जंदा 100 100 300 टंका 3 वर्ष रे
300 टाका मिलिथांता किंतु जेहेतु आमकु चक्रवृद्धि सुध कहिछि माने सरल सुध भी रहिबो आउ चक्रवृद्धि सुध एवं सरल सुधर डिफरेंस भी रहिबो एई तीन एई सबकु मिसाई देले कोन हे जो हमर कंपाउंड इंटरेस्ट आसिबो तो आमको कंपाउंड इंटरेस्ट कहनी ये कौन कही चक्रवर्त सुध और सरल सुधर अंतर तो अंतरटा हूँ यहीटा हाँ यहीटा हूँ आम कौन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट तो कैसे ही देखी दिंतु ये दस दस कोड़े तीस एक एकतीस तो ये तीन टाक जग करदे के यूनिट होमर एकतीस यूनिट तो एकतीस यूनिट रैल्यू आमको के 992 एक यूनिट रैल्यू बाहर कर दिंतु एक यूनिट रैल्यू आमर आसीज यटा को एकतीस काटिले ये आसीज एकतीस तीस के एकतीस तीस 93 62 आसला एकतीस दुणजे 62 32 एक यूनिट रैल्यू है 32 32 एक यूनिट रैल्यू जब 32 बाहर करे तो यूनिट रैल्यू बाहर कर प्रिंसिपल मांगीजे ना प्रिंसिपल को 100 यूनिट धरीचे सरी 1000 यूनिट धरीचे तो 1000 रे आमको केते गुणन कर 32 गुणन कर इक्वल टू 32000 आमर प्रिंसिपल आसीज 32000 जोटा कि ऑप्शन डी हम आम राइट आंसर चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करवा पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन कही एन अमाउंट ऑफ आर एक्स 6000 लेट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स विल बी कौन कही 6000 टंका मूलधन वार्षिक 5% चक्रवर्ती सुधरे दुई वर्षर चक्रवर्ती सुध केते हेबो बा दुई वर्षर चक्रवर्ती सुध तो कहनी दुई वर्ष रे केते टंका हेइ जो बिकम हाउ इयर्स विल बिकम केते टंका कंपाउंड इंटरेस्ट हमरो केते बाहरिबो एथिरे हमकु कोन करिया पा ए अमाउंट रो फार्मूला डायरेक्ट पुट करके भी यार आंसर बाहर करि परिबा अमाउंट इक्वल टू पी होल इनटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर टी ए फार्मूला पुट करके हमें यार डायरेक्ट आंसर बाहर करि परिबा नचेत हमें कोन करबा 6000 रो फर्स्ट इयर रो फर्स्ट इयर रो फर्स्ट इयर चक्रवर्ती सुध केमती बाहर करेंगे चक्रवर्ती सुध केमती बाहर करवा फर्स्ट इयर प्रथम एस आई बाहर कर दिंतु केते टंका आउछि 6000 टंका 6000 टंका रो 10 5% केते हबो 6000 टंका रो 10% केते हे 600 रो अधा केते 300 तो 300 हे गला फर्स्ट वर्ष रो चक्रवर्ती सॉरी फर्स्ट वर्ष रो एस आई एटा सरल सुध एस आई बाहर गला कौन कले देखि दिंतु इटी 6000 थिला यार हमकु 5% बाहर करियो 6000 जे निजरो केते 100% तो जदि यार 10% बाहर करवा गोटे शून काटिद गोटे शून पर पॉइंट बसइबा गोटे डाण आड़ गोटे शून छाड़ देले पॉइंट बसइले 10 शतकड़ा केते हैला 600 10 रो अधा केते 5 शतकड़ा जे 600 रो अधा 300 तो 300 हेगला आमर फर्स्ट इयर सिंपल इंटरेस्ट तो सेकेंड इयर को आसतु सेकेंड इयर सिंपल इंटरेस्ट के 300 ही रही केवल सेकेंड इयर कौन बढ़ सुधर सुध आम जाने चक्रवृद्धि सुध हूँ सुधर सुध मानते 300 टकर परसेंट बाहर करवा पुणी 5% बाहर करवा ताने 300 टाँह हूँ निजर एवं 100% यार जदि आम 10% बाहर करवा 10% बाहर कले गोटे शून पॉइंट पर पॉइंट बसवा मानने 30.0 हम मानते 30 टाँह हो तो यार जब 5% बाहर करवा 10 रधा 5 तो 30 रधा के 15 30 रधा हो गला 15 तो ये केसेंट के टाँह हम 15% हम तो आमको मागिच कौन यहाँ टोटाल मिसले कौन हम यहाँ हूँ डिफरेन्स कही ना कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट डिफरेन्स ये जगह डिफरेन्स हम ये जगह सिंपल इंटरेस्ट हम टोटाल जदि आम जग करदेबा तो कौन हो कंपाउंड इंटरेस्ट आसो कंपाउंड इंटरेस्ट के देखते 300 300 600 615 हो कंपाउंड इंटरेस्ट कितु ये मागिच कौन आमको अमाउंट मागिच अमाउंट मागिच तो अमाउंट आमर के अमाउंट हो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल के 6000 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट के 615 दुटा को मिसाई दिंतु 6615 आमर अमाउंट 6615 जोटा कि ऑप्शन डी हम आम राइट आंसर चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करवा छः नंबर क्वेश्चन देखिए कौन कही दि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन आर एस 30000 एट 7% पर एनम फॉर ए सर्टेन टाइम इज 4347 दि टाइम इज क्वेश्चन टी कौन कही प्रथम भल भाव बुझी दिंतु कौन कही आम पाखे मूलधन के 30000 टाँह मूलधन 7% सरल सुधर कि मान कि आमको टाइम देनी कि समय से 4347 टाँह हो तेबे तेबे आमको टाइम बाहर करार अच्छी कंपाउंड इंटरेस्ट के 30000 टाँह 7% सरल सुधर कंपाउंड इंटरेस्ट 4347 टाँह हो जा समय कि वर्ष वर्ष बा टाइम आमको बाहर करार अच्छी तो यहाँ हूँ यहाँ तेल कौन देखिए यहाँ आमको कंपाउंड इंटरेस्ट देती
एटा हो गला कंपाउंड इंटरेस्ट, एटा हमको कौन देछि, एटा हमको प्रिंसिपल देछि। ए जगह रे हमें प्रिंसिपल लिखि परबा, एटा को हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर करबा। ताले हमको टाइम देछि, एटा को आपनो अमाउंट रो फार्मूला, अमाउंट इक्वल टू पी होल इनटू, अमाउंट इक्वल टू पी होल इनटू 1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस जोडा आर बाय 100 रो फार्मूला होल डिवाइडेड बाय केते, होन सॉरी होल टू डिवाइड टी, एही फार्मूला पुट करिकि यार आंसर बाहर करि परिबे। किंतु मु आपन को टिके आउ टिके सहज करौ जे देखि दंतु कोन अछि। हम गुटे साइड रे हमें प्रिंसिपल लिखिबा, आउ गुटे साइड रे कोन लिखिबा, अमाउंट लिखिया। प्रिंसिपल हम पाखरे केते अछि, प्रिंसिपल हम पाखरे 30,000 अछि। अमाउंट केते हिजो, जदि चक्रवृद्धि सुध 4,347 अछि तो 30,000 रे 4,347 जोग हिजो तो केते हिजो, ये 34347 एतकी अमाउंट हिजो। तो एई 30,000 को 4,347 संगे जोग कर देबा। अमाउंट ना, अमाउंट होची कोन, प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो एटा को आउ छोटो करि परबा, एटा 3 रे काटले केते हो, 3 के 3 तो हम पाखरे केते बचिबो, 10,000 बचिबो। इक्वल टू 3 रे काटले 3 के 3, 3 के 3, 3 चौ 12, 3 9 27। तो एटी आसीगला देखि दंतु 10,000, एटी आसीगला 11449। तो एटार आम कौन बाहर करपरिया, एटार आम स्क्वायर रूट बाहर करपरिया, एटार आम देखि दंतु यार, एटार आम स्क्वायर रूट बाहर करपरिया। यार स्क्वायर रूट बाहर कले के आसो, यार स्क्वायर रूट बाहर कले 100 आसो, यार स्क्वायर रूट बाहर कले के आसो 107 आसो। देखि दंतु प्रिंसिपाल 100 टाँचा अच्छी, अमाउंट के 107 अच्छी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जब बाहर करा कही था, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखी दिखाँ 7 अच्छी, 100 टकर सुध 7 जे 7 शतकड़ा अच्छी, रेट ऑफ इंटरेस्ट के 7 शतकड़ा अच्छी। केवल टाइम बाहर करदी आम तेल आम टाइम कौटा हो जो स्क्वायर रूट बाहर करते ना ये टाइम ये के 2 ईयर बाहर, 2 ईयर एटी जदि ये जी क्यूब रूट होता तो 3 वर्ष रही था, जहाँ रहा ही आम टाइम हम तेल 2 ईयर से गला, जोटा कि ऑप्शन सी हम आम राइट आंसर। एटा को यही फास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड रे भी सॉल्व कले आप यार आंसर बाहरी पार। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो। जदि ये वीडियो आपको भल लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करने को जमार भूलिबे नहीं। पुणी आम नेक्स्ट वीडियो रे जदि आप कमेंट निहाती करेंगे, जो क्वेश्चन बुझी होनी तार जदि कमेंट करेंगे तो आपण मानक आम भल भल वीडियो प्रोवाइड करने आमको इंस्पिरेशन मिल। थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो।